आप मेरे साथ यानी अभिषेक बारेट के साथ में लोकतंत्र में एक अजीब सी खबर देखना शुरू कर रहे हैं। इंग्लिश में होता है यू, वाई ओ यू। यू मतलब तुम या तू, मतलब आपको बहुत सारे लोगों को संबोधित करना है तो भी यू कहना पड़ेगा, और एक को कहेंगे तो भी यू। अब क्या ग्रामर लेकर बैठ गए ये कहें आप, तो इससे पहले जान लें कि इंग्लिश में राष्ट्रपति से भी आपको व्यक्तिगत रूप से बात करनी है तो आप उन्हें यू से संबोधित करेंगे, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री से, मतलब किसी से भी आप यू कहकर बात कर सकते हैं। पर यह गलती कंगना रनौत से हुई। हुई ये कि अच्छी इंग्लिश जानने के बावजूद वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ हिंदी में बोल गई, गुस्से में बोल गई तू। इंग्लिश में बोलती तो तू तू भी रह जाता और उद्धव ठाकरे को बुरा भी नहीं लगता। बुरा इतना लगा कि कंगना ने उद्धव को आप नहीं बोला, इसलिए FIR कर दी गई कंगना खिलाफ। मतलब तुम बोलने की बजाय वो उद्धव जी ठाकरे को आप कहती तो उनके आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचती। पर क्या करें, भाषा ही महंगी पड़ गई। हम तो श्री उद्धव ठाकरे जी कहकर बोल रहे हैं, मामला घमंड से ज़्यादा कुछ नहीं है। यही खबर भी है अभिनेत्री कंगना रनौत और शिवसेना नेता संजय राउत के बीच शुरू हुई जुबानी जंग कम हो जाने के बजाय बढ़ रही है। आप खबरों में इसी तरह से सुनने के लहजे को पसंद करते हैं। अब कंगना पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग करने पर FIR दर्ज कर ली गई है, विडंबना है। दरअसल एक वीडियो को साझा करते हुए कंगना ने उद्धव ठाकरे को तू कहा था, मतलब श्री उद्धव ठाकरे जी को तू कहा था। ये FIR मुंबई के विक्रोली थाने में दर्ज हुई है। वकील नितिन माने ने FIR दर्ज कराते हुए कहा है कि वो कोर्ट में कंगना को घसीटेंगे। वो कंगना को घसीट रहे हैं या कंगना उन्हें घसीट रही है, अभी तक ये मुद्दा स्पष्ट नहीं हो पाया है, क्योंकि उद्धव ठाकरे का इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है, ऐसा उनके वकील कहते हैं। फिर भी कंगना ने उन्हें इस मामले में घसीटा। एक राज्य के CM के लिए इस तरह के शब्दों का प्रयोग ठीक नहीं है। दरअसल एक वीडियो में कंगना ने कहा था, उद्धव ठाकरे तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़कर मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। दूसरी बार श्री और जी लगाकर बोला है साहब का नाम। तुमसे प्रॉब्लम है ना उनको, हम कोई कंगना थोड़े ही हैं। अगली खबर, अपने लेटेस्ट स्पीच में कंगना ने कहा कि जिस विचारधारा पर बाला साहब ठाकरे ने शिवसेना का निर्माण किया था, आज वो सत्ता के लिए उसी विचारधारा को बेचकर शिवसेना से सोनिया सेना बन चुके हैं। जिन गुंडों ने मेरे पीछे से मेरा घर तोड़ा उनको सिविक बॉडी मत बोलो, संविधान का इतना बड़ा अपमान मत करो। कंगना ने एक और ट्वीट किया जिसमें उद्धव ठाकरे का नाम लिए बिना एक बड़ा हमला उन्होंने बोला। उन्होंने लिखा, तुम्हारे पिताजी के अच्छे कर्म तुम्हें दौलत तो दे सकते हैं, मगर सम्मान तुम्हें खुद कमाना पड़ता है। मेरा मुंह बंद करोगे मगर मेरी आवाज़ मेरे बाद 100 फिर लाखों में गूंजेगी। कितने मुंह बंद करोगे, कितनी आवाज़ें दबाओगे, कब तक सच्चाई से भागोगे? तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। मतलब तो फिर वही हुआ, तो श्री उद्धव ठाकरे जी को क्या उखाड़ना चाहिए था? जवाब है कंगना की जुबान, जो वो नहीं उखाड़ सकते। लास्ट तक वीडियो तो देखेंगे नहीं, जल्दबाज कहीं के उद्धव ठाकरे। इस बार न हमने श्री लगाया न जी, बस चापलूस यही चाहते हैं, पर आवाज़ें दबाई नहीं जा सकती। और तू और हम का एक फ़र्क है जो मैं आखिर में आपसे कहना चाहता हूँ। चमन में इख्तलाते रंगेबू से बात बनती है, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं। शुक्रिया।